Hello guys, this is SKR and welcome to my channel SKR Study Channel. How are you guys? I hope you all are very good, I know. So last video में हमने 33 question तक किया था time and work का. So इस video में हम 34 question से करेंगे. So video start करने से पहले आप सभी से request है कि अगर आपको video मेरा पसंद आता है तो उसको like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई नया चैप्टर लेके आऊँ या नया वीडियो अपलोड करूँ सो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको भी फ़ायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while 26 men and 48 boys finish it in 2 days. 15 men and 20 boys will finish it in, बोल रहा है कि 6 men और 8 boys 10 दिन में एक काम को ख़त्म करते हैं, ओके, और 26 men और 48 boys उसी काम को 2 days में ख़त्म करते हैं. सो पूछा है कि 15 men and 2 boys कितने दिन में ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है. सो देखते हैं इसको किस तरह करते हैं. सो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, मैन इक्वल टू बॉयज़ करेंगे और जो आएगा उसको हम M1D1 फॉर्मूले में पुट कर दें, ओके. इससे क्या होगा, जल्दी होगा हमारा. सो क्या बोला था, 6 men plus 8 boys 10 दिन में काम करते हैं, 26 men plus 48 days 2 days में काम ख़त्म करते हैं, ओके. अभी क्या करना है, इस 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 men आ जाएगा प्लस 80 boys आ जाएगा और इक्वल टू इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है. तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 men आएगा प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 boys आएगा. अभी इस मैन को इधर लेके चला जाएंगे और इस बॉयज़ को इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 60 men minus 52 boys इक्वल टू 8 men, 96 boys minus 80 boys इक्वल टू 16 boys. सो इधर काट दो, 8 1 जा 8 2 जा 16. सो 1 man इक्वल टू 2 boys के बराबर आता है, ठीक है. तो हमने इक्वल कर दिया, 1 man कितने बॉयज़ के बराबर आता है, 2 boys के बराबर आता है. बस अब क्या करना है, वही हमको पुट कर देना है इक्वेशन में. क्वेश्चन में पूछा था 15 men और 20 boys कितने दिन में काम करेंगे, ये पूछा था, ठीक है. तो वही हमको निकालने के लिए हमने क्या किया, 1 man equal to 2 boys के बराबर के, मतलब 1 man कितने बॉयज के बराबर है वो कर देंगे. अभी क्या है, हमको ये वाला खुद आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, ये ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो. तो मैंने इसी को ले लिया, ठीक है. 6 men plus 8 boys इक्वल टू 10 days में काम करते हैं. क्वेश्चन में पूछा था 15 men plus 20 boys कितने दिन में काम करेंगे, ये M1 और D1 का फॉर्मूला है, ओके, उसमें पुट कर दिया है. सो हमारा 6 men है तो हमारा 1 man कितने बराबर, कितने बॉयज़ के बराबर था, 2 boys. तो 6 into 2 boys करेंगे प्लस ये 8 boys वैसे ही इंटू डेज 10 days. 15 men 15 into 2 boys करेंगे प्लस 20 boys करेंगे इंटू एक्स डेज, नहीं पता हमको, करेंगे इनको 12 boys आएगा प्लस 8 boys प्लस 10 इनको इंटू करेंगे तो 30 boys प्लस 20 boys इंटू एक्स, इनको प्लस करेंगे तो 20 boys इंटू 10 इनको प्लस करेंगे तो 50 boys इंटू एक्स, ओके. अभी 0 0 काट देंगे, ठीक है. अभी सॉरी, ये जीरो काट देंगे. अभी 5 1 जा 5 4 जा 20. सो एक्स कितना, एक्स का वैल्यू कितना आया, 4. सो 4 days. सो कितने दिन में काम करेंगे, 15 men और 20 boys मिलके 4 days में काम करेंगे. चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है. सो ऑप्शन में भी 4 days दिया हुआ है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 men and 6 women फिनिश अ जॉब इन 8 days. बोल रहा है 4 men और 6 women एक काम को 8 दिन में ख़त्म करते हैं वाइल 3 men and 7 women फिनिश इट इन 10 days. बोल रहा है 3 men और 7 women एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं. तो पूछा है 10 women कितने, 10 women वर्किंग टुगेदर. बोला है 10 women अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. सेम कंसेप्ट है 34 की तरह, ओके. चलो देखते हैं किस तरह करते हैं. सो इधर भी हम लोग 1 man equal to women's के बराबर लिख आएंगे, ओके. तो बोला था 4 men plus 6 women 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं और 3 women plus 7 women 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं.
बस एक क्या करना है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस 10 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 जै 32 वुमेन, 8 6 जै 48 वुमेन, सॉरी सॉरी, 8 4 जै 32 मैन प्लस 8 6 जै 48 वुमेन इक्वल टू 10 × 3 30, 30 मैन प्लस 10 × 7 वुमेन 70 वुमेन। ओके, अभी इधर मैंने शॉर्टकट कर दिया है, यहीं पे माइनस कर दिया, ये 30 इधर जाएगा, तो 32 से माइनस करेंगे 30 मैन, तो 2 मैन आता है, और ये 40 उधर जाएगा, तो 70 माइनस 48 करेंगे तो 22 वुमेन आता है। यहीं पे मैंने काट दिया, 11 आया, तो 1 वुमेन इक्वल टू 1 मैन इक्वल टू 11 वुमेन्स के बराबर आया। ओके, अभी क्या करना है, ये वो मैन में क्या करना है, पुट करना है, एक मैन बराबर 11 वुमेन। तो हम ये वाला इक्वेशन लेंगे, दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, तो ये वाला इक्वेशन लेंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, 10 वुमेन एक साथ कितने काम में कंप्लीट करेंगे, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे एक काम। ओके, तो इसको M1D1 के फॉर्मूले में बस पुट कर देंगे, 4 मैन प्लस 6 वुमेन इक्वल टू 8 डेज। ओके, 4 इक्वल टू 10 पूछा था, इंटू कितने डेज, तो एक्स ले लेंगे डेज को, डेज दिया नहीं, बस 4 मैन बोल रहा, एक मैन बोला 11 वुमेन के बराबर, तो 4 × 11 तो 44 वुमेन हो जाएगा, प्लस 6 वुमेन दिया है इंटू 8, तो 44 प्लस 6 इंटू 8, और ये 10x ही रहेगा, इनको प्लस करेंगे तो 50 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 8, ये 0 0 काट देंगे, क्या बच गया, 5 × x इक्वल टू 8, 5 × 8 इक्वल टू 8। अभी x का वैल्यू कितना है, 5 × 8 40, 40 डेज। सो 10 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 40 डेज में। ओके, चलो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। सो ऑप्शन में भी 40 डेज दिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2 मैन एंड 3 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। क्वेश्चन में बोल रहा है 2 आदमी और 3 वुमेन, ठीक है, 10 दिन में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं, वाइल 4 मैन कैन डू इट इन 10 डेज। बोल रहा है कि जबकि 4 आदमी एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा, इन हाउ मेनी डेज विल 3 मैन एंड 3 वुमेन फिनिश इट। तो बोल रहा है 3 मैन और 3 वुमेन एक साथ मिलके कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो सेम कंसेप्ट ये और ये दोनों क्वेश्चन की तरह है, चलो देखते हैं किस तरह करते हैं। सो इसमें भी क्या करेंगे, मैन इक्वल टू कितना वुमेन है वो निकाल लेंगे। ओके, सो 2 मैन प्लस 3 वुमेन 10 दिन में काम कर रहे थे, 4 आदमी अकेले 10 दिन में काम कर रहा था। ओके, सो क्या करेंगे, इस 10 को इंटू करेंगे इससे और इससे, तो 10 × 2 जै 20 मैन प्लस 10 3 जै 30 वुमेन इक्वल टू 4 × 10 40 मैन। ओके, अभी 0 0 काट देंगे, सॉरी 40 मैन। अभी क्या करेंगे, इस वो मैन मैन को इस तरफ लेके जाएंगे, वुमेन को इस तरफ लेके जाएंगे। ओके, तो 40 में से 20 मैन गया, तो 20 मैन बचता है और 30 इधर आ गया, ठीक है। अभी 0 0 काट दिया, तो अभी 2 को 3 से डिवाइड करो तो 1.5 आता है। सो 1 मैन इक्वल टू 1.5 वुमेन के बराबर है। बस अब किसी में ही पुट कर दो, इसमें पुट करो या इसमें पुट करो। ओके, किसी भी एक में पुट कर दो, 1 मैन इक्वल टू 1.5 वुमेन के बराबर है, ठीक है। तो हमने ये वाला इक्वेशन लिया, 3 मैन प्लस 2 मैन प्लस 3 वुमेन इक्वल टू 10 डेज, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा था 3 मैन प्लस 3 वुमेन इक्वल टू हाउ मेनी डेज, ठीक है, तो इंटू एक्स कितना डेज है नहीं पता, नंबर ऑफ डेज हम लोग एक्स लेंगे। सो 10 × 2 करेंगे तो, सॉरी ये 2 में 1 मैन इक्वल टू 1.5 के बराबर होता है, तो 2 मैन कितना होगा, 2 × 1.5 वुमेन प्लस ये 3 वुमेन आ जाएगा इंटू 10। ओके, सो क्या करेंगे, और ये एक्स का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो 3 मैन कितने के बराबर होगा, 3 × 1.5 वुमेन के बराबर होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इधर 1 मैन इक्वल टू 1.5 वुमेन के बराबर है, तो 3 × 1.5 होगा प्लस 3 वुमेन × x करेंगे। अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1.5 तो 3 वुमेन आता है, प्लस 3 वुमेन × 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1.5 इक्वल टू 4.5 वुमेन प्लस 3 वुमेन × x। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 वुमेन × 10, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7.5 × x होता है, तो x को इधर लेके जाएंगे तो 6 × 10/7.5। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 इधर बैठ जाएगा, ठीक है, इंटू 6 × 10, ये हटा पॉइंट तो इंटू 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा,
6 × 100 / 75 25 के इधर इसको जल्दी काट देता, 25 के टेबल में 3 जा करता है, ये 4 जा करता है, ये 3 वन जा और 3 टू जा, तो 2 × 4 कितना 8 बचा। सो 3 मैन प्लस 3 वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 8 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। सो ऑप्शन में भी 8 डेज दिया हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला 8 चिल्ड्रेन एंड 12 वुमेन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। बोल रहा है कि 8 चिल्ड्रेन एंड 12 मैन एक काम को 9 डेज में कंप्लीट करते हैं। बोला इफ ईच टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है अगर ईच चाइल्ड, बोला हर एक बच्चा, ठीक है, टेक्स ट्वाइस द टाइम, मतलब दो गुना ज़्यादा टाइम लेता है हर एक आदमी से। तो बोला इन हाउ मैनी डेज विल 12 मैन फिनिश द सेम वर्क। बोल रहा है कि कितने दिन में 12 आदमी सेम वर्क को कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। सो क्वेश्चन में बोल रहा था कि हर एक बच्चा आदमी के ट्वाइस है, ठीक है, मीन्स वन मैन इक्वल टू टू चाइल्ड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि टू मैन बराबर एक बच्चा बराबर दो आदमी। सो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए वन मैन इक्वल टू टू चाइल्ड। बस क्या करना है कि वन मैन और टू चाइल्ड, बस ये टू चाइल्ड इक्वेशन में पुट करना है m1 × d1 के फॉर्मूले में। ओके सो क्वेश्चन में बोला था कि 8 चाइल्ड प्लस 12 मैन 9 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और 12 मैन कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं वो निकालना था। तो नंबर ऑफ डेज कितना है, x है, हमको नहीं पता, सो वी विल टेक इट x। अब क्या करना है, 8 मैन 8 चाइल्ड बोला है प्लस 12 मैन बोला है, तो 1 मैन हमको पता है इज 1 मैन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड, सो वी विल पुट इट 2 चाइल्ड, 12 इंटू 2 चाइल्ड। ओके सो मल्टीप्लाई इट विथ 9 इक्वल टू 12 × 2 चाइल्ड करेंगे, क्यों, बिकॉज 1 मैन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड। ओके सो 12 × 2 चाइल्ड × x। ओके सो अब नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 8c + 12 × 2 चाइल्ड करेंगे, सो इट विल बिकम 24 चाइल्ड × 9। और इधर भी क्या होगा, 12 × 2 चाइल्ड = 24 होता है, सो वी विल पुट इट 24 चाइल्ड × x। सो नाउ वी विल एड इट, 8 चाइल्ड + 24 चाइल = 32 चाइल्ड × 9, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ डेज इज 9 = 24 चाइल्ड × x। सो चाइल्ड चाइल्ड इक्वल हो गया, अभी क्या करेंगे, बस काट देंगे। सो 12 × 4 इसको काट दो, इसको काट दो यहाँ से, 3 × 9 होता है और 3 × 8 = 24 होता है। सो 8 × 1 = 1 और 8 × 4 = 32। सो एक्स का वैल्यू कितना आया, 12, 4 और 3 बच गया, तो 4 × 3 कितना था, 12। सो कितना 12 मैन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है काम को, इट विल टेक 12 डेज टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। सो ऑप्शन में क्या है देख लेते हैं। सो ऑप्शन में भी क्या दिया हुआ है, 12 डेज दिया हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। बोल रहा है 10 आदमी एक काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, वेयर एज इट टेक्स 12 मैन टू फिनिश इट इन 10 डेज। बोल रहा है जबकि एक उसी काम को 12 वुमेन मिल के ख़त्म कर रहे हैं 10 दिन में। बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ 15 मैन एंड 6 वुमेन अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि अगर 15 मैन और 6 वुमेन उस काम को ख़त्म करते हैं एक साथ मिल के, तो बोल रहा है कि कितने दिन में कंप्लीट होगा वो, हाउ मैनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट इट। ठीक है तो बोल रहा है कि कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे। चलो देखते हैं किस तरह करते हैं इसको। तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। सो नंबर ऑफ डेज कितना लिखेंगे, बोला है 15 मैन और 6 वुमेन, तो कुछ नहीं, जो पूछा है वो लिख देना है ऊपर, 15 + 6 / 15 मैन पूछा है, तो मैन का क्या गिवन था, 10 मैन इंटू 10 डेज, 10 मैन 10 दिन में कर रहे हैं, प्लस बाय
ट्वेल्व वुमेन इंटू टेन, ट्वेल्व वुमेन 10 दिन में कर रहे हैं, बस काट दो। फाइव से थ्री जा कट रहा है, ये टू से कट रहा है, इधर सिक्स वन जा, सिक्स टू जा, अभी थ्री बाई ट्वेंटी आ जाएगा प्लस वन बाई ट्वेंटी, अभी इनका एलसीएम निकालो, फोर बाई ट्वेंटी आता है, फोर से काटो फाइव, फाइव डेज। सो कितना फाइव, फिफ्टीन मैन और सिक्स वुमेन उस काम को कितना फाइव डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। चलो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है।